Myself Ruby Agarwal. I am your class teacher. This is your maths books, Fun with Maths. Chapter number 2, Heavy and Lights, Object. Students, आपका ये maths का second chapter है, Heavy and Light. यानी कि heavy माने भारी, light माने हल्की. यानी कि कुछ चीज़ें हल्की होती हैं और कुछ चीज़ें भारी होते हैं. जैसे यहाँ पे आपको लिखा आई एम हैवी, यानी कि लकड़ी का जो गट्ठर है, लकड़ी जो दिखाए रखी है वो कैसी होगी, भारी होगी. आई एम लाइट, यानी कि मोर पंख का जो पंख दे रखा है वो कैसा होगा, लाइट होगा. तो कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, हैवी और लाइट. जैसे आपने एलिफेंट देखा है, एलिफेंट कैसा होगा, हैवी, और रैबिट उसके आगे लाइट होगा. ये रैबिट और रेट के आगे कंपेयर करेंगे तो रैबिट आपका हैवी हो जाएगा और रेट आपका लाइट हो जाएगा. इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे दे रखा है, राइट द एच फॉर द हैवीएस्ट एंड एल फॉर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स. यानी कि यहाँ पे जो आपको भारी चीज़ें दिख रही हैं उनके लिए हैवी के लिए एच लगाना है और जो हल्की दिख रही हैं उनके लिए एल लिखना है. जैसे आपको यहाँ एक पानी से भरी बाल्टी शो हो रही है, ये क्या होगी, हैवी या लाइट, हैवी होगी. इसी प्रकार फ्लावर है, फ्लावर लाइट होगा. ये प्रेस कैसी होगी, आयरन, हैवी होगी. तो हैवी के लिए एच और लाइट के लिए आपको एल लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने, टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट. यानी कि दो ऑब्जेक्ट दे रखे, एक साइकिल दिखाइए और एक कार दिखाइए. अब बाइसाइकिल आपकी हैवी होगी, लाइट हैवी होती है, लेकिन कार के आगे वो क्या होगी, लाइट होगी. तो आप लाइट के लिए एल या क्रॉस लगाएंगे और जो कार है आपकी हैवी होगी इसके लिए राइट का निशान लगाएंगे. इसी प्रकार से यहाँ इधर दिखाया कैप और हट, कैसी दिखाई, कैप और हट. तो कैप क्या होगी, लाइट होगी, इसे क्रॉस कर देंगे. हट क्या होगी, हैवी होगी, तो इसे राइट करेंगे. इसी प्रकार से बच्चों और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. तो बच्चों आपको दिख रही है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स, कुछ हैवी हैं और कुछ लाइट है. जैसे मैंने आपको बताया था कि हैवी थिंग्स और लाइट थिंग्स, तो इन पिक्चर्स को देख के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि किन चीज़ों को हम हैवी कहेंगे और किन चीज़ों को लाइट. जैसे आपको एलिफेंट दिख रहा है, तो एलिफेंट आप सबने देखा है बहुत लार्ज बॉडी होती है इसकी, है ना, और बहुत ज़्यादा हैवी होता है. इसी प्रकार हमर दिख रहा है, हथौड़ा, हथौड़ा देखा है, उठता भी नहीं है हाथ से, वो भी क्या होता है, बहुत हैवी होता है. ऐसे आपने ब्लू व्हेल फिश देखी तो नहीं होगी, लेकिन आपके वाटर फिश होती है ये, और बहुत बड़ी फिश होती है, हाथी से भी बड़ी कहलाती है, हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है. इसी प्रकार से बच्चों आपने कार को देखा है, कार देखिए ना, तो कार कैसी होती है, बहुत हैवी होती है, किसी से नहीं उठती, है ना. इसी प्रकार आपका पॉम्पकिन, जैसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कद्दू, कद्दू कितने बड़े बड़े शेप के आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं. छोटे छोटे बच्चों से तो उठते भी नहीं, कोई कोई इतना भारी होता है कि उसे दो दो जने भी मिलकर उठाते हैं. इसी प्रकार आपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब देखा है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हैवी होती हैं. इनका वजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो जिन चीज़ों का वजन बहुत ज़्यादा होता है वो कहलाती है हैवी. लाइट चीज़ें जैसे आपने देखा होगा फैदर, पंख कितना हल्का होता है, धीरे धीरे उड़ता हुआ आता है और गिरता है. आपने बॉल, बैलून भी देखे हैं. प्लास्टिक की बॉलें तो बहुत हल्की हल्की होती हैं, लेकिन लेदर वाली जो बॉल्स होती हैं, फुटबॉल होती हैं, वो भारी होती हैं, वो कहती होती हैं हैवी होती हैं. लेकिन आपने प्लास्टिक की जो छोटी छोटी बॉल्स हम बच्चों को खेलने को देते हैं, बैलून टाइप की, वो बहुत ही लाइट वेट की होती हैं. फ्लावर कितना लाइट होता है, लीव्स फ्लावर की बहुत ही लाइट्स होती हैं, कैसे पेड़ से गिरती हैं धीरे धीरे. आपने पेन की पेन, पेपर पिन भी देखी होंगी, ये भी बहुत हल्की होती हैं. पेन, आल पेन, ये सब क्या होते हैं, हल्की होती है. पेंसिल, पेंसिल का वजन भी बहुत बहुत लाइट होता है. इसी प्रकार आपके और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत लाइट वेट के होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे. तो एक बार फिर से आपको हैवी चीज़ें समझा दी जाए, एलिफेंट
बहुत हैवी, हैमर बहुत हैवी, ब्लू वेल हैवी, कार पम्पकिन हैवी, ट्रैक्टर ट्रॉली स्कूटर हैवी, फेदर बॉल लाइट, फ्लावर लीव लाइट और पेपर क्लिप एंड पेंसिल लाइट। बच्चों अब आपने हैवी ऑन लाइट सिंग्स को अच्छे से समझ लिया है, इसलिए मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दिखाऊंगी जिसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ में आ जाएंगे। जैसे आपको पेपर पिन दिख रही है, क्या हो गया हैवी या लाइट, टिक करना है आपको। ऐसे ही आपको यह एक्वेरियम दिख रही है, तो एक्वेरियम फिश एक्वेरियम को बोलते हैं, ये कैसा होता है, हैवी होता है, बहुत भारी होता है, उठता भी नहीं है। इसी प्रकार से आपने सोफ़ा सेट भी देखा है घर में, जो सोफ़ा सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत भारी भारी होते हैं, जो हमसे उठाते भी नहीं, दो दो तीन तीन जने मिल के उठाते, तो ये कैसे होंगे, हैवी होंगे। ये बैलून है, बैलून कैसा होता है बच्चों, हैवी होता है, लाइट लाइट होता है ना, आप देखते हैं हवा में भी उड़ता हुआ जाता है, आप लोग भी उठा उठा के खूब एक दूसरे को के साथ खेलते हैं। ये आपकी क्या है, टॉफ़ी, टॉफ़ी हैवी होती है, लाइट लाइट होती है, जम से खा लेते हैं, मुंह में जाके गम से ख़त्म, तो आपकी टॉफ़ी भी लाइट होती है। मिक्सी ग्राइंडर हैवी होता है। तो सर्कल था हैवीस्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसा आपको हैवीस्ट और लाइट ऑब्जेक्ट समझाए जा रहे हैं, उसमें भी आपको सर्कल करना है जो हैवी ऑब्जेक्ट है। तो इनमें तीन चीज़ों में कंपेयर करना है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा उसको सर्कल करना है। जैसे आपको एक पेचकस, एक पेपर पिन और एक हैमर दिखाया है, इन तीन पिक्चर्स में आपको सबसे ज़्यादा हैवी क्या चीज़ लग रही है, तो वो चीज़ है आपके हैमर। तो हम किसको सर्कल कर देंगे बच्चों, हैमर को। ऐसे आइसक्रीम, टॉफ़ी और केक, इनमें सबसे ज़्यादा हैवी कौन सी चीज़ होगी, आइसक्रीम टॉफ़ी या केक, क्या सबसे ज़्यादा हैवी आपको लगता है, शायद केक आप ज़्यादा हैवी होगा इन तीनों में। तो हम किसको सर्कल करेंगे, केक को। एक ये आपका है गार्डनिंग पॉट, गार्डनिंग पॉट जो आपको गार्डन में पानी देने वाली पॉट होता है उसको बोलते हैं, स्पून एंड ग्लास, इन चीज़ों के चीज़ अगर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से गार्डनिंग पॉट जो है वो ज़्यादा हैवी होता है। तो हम गार्डनिंग पॉट को सर्कल करेंगे तीनों चीज़ों में कंपेयर करते हुए। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है कैमरा, कैंडल एंड लैम्प, इसमें सबसे ज़्यादा हैवी क्या होगा, कैमरा होगा, कैंडल होगा या लैम्प होगा, तो लैम्प आपका सबसे ज़्यादा हैवी होगा। स्टूडेंट्स आपको जैसे हैवी और लाइट समझाया जा रहा है, और मैंने आपको पहले की वर्कशीट में भी समझाया है, इसी प्रकार की एक वर्कशीट है, इसमें हैवी और लाइट दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट को पहले ध्यानपूर्वक देखना है, पिक्चर्स को, जो भी ऑब्जेक्ट किए, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो हैवी है तो हैवी पे सर्कल लिखेंगे और लाइट है तो लाइट पे करेंगे। जैसे एलिफेंट कैसा होता है, हैवी होता है, तो हम हैवी जो लिखा है उस पे सर्कल कर देंगे। ये क्या है आपका फेदर है, फेदर कैसा होता है, लाइट होता है, तो आप लाइट पे सर्कल करेंगे। कार, कार कैसी होती है, बहुत हैवी होती है ना, उठती भी नहीं है, भारी होती है, इसके पहिए भी भारी होते हैं, तो ये क्या है, हैवी, कार पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट आपको ये क्या है आपका, ये बटरफ्लाई टाइप है, तो ये बटरफ्लाई कैसी होती है, लाइट या हैवी, लाइट होती है, तो आप लाइट पे सर्कल करेंगे। अब ये क्या बनी हुई है, की, की कैसी होती है, हैवी या लाइट, ये डिपेंड करती है, कई की हैवी होती है और कई कई लाइट होती हैं, तो जो की लाइट होती है तो हम लाइट पे करते हैं, लेकिन की ज़्यादातर हैवी ही मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स इस शीट्स के अंदर आपको जो पिक्चर दिख रही हैं उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो आपकी लाइटर वेट में होती हैं उन पर सर्कल करना है। जैसे आपको ट्री और एक लीफ शो हो रही है, तो इसमें ट्री तो क्या होगा, हैवी होगा, और लीफ कैसी होगी, लाइट होगी, हल्की होगी, तो आपको लीफ के ऊपर सर्कल करना है। इसी प्रकार आपको टेबल और सॉर्सर यानी कि प्लेट दिखाई दे रही है, तो आप कौन सी आपकी हैवी होगी, प्लेट आपकी हैवी और प्लेट आपकी लाइट, और जो टेबल है वो आपकी हैवी होगी, तो आप प्लेट पे सर्कल करेंगे। ऐसे आपको टू चीज़ दिख रही है यहाँ पे, बटरफ्लाई एंड एनिमल, बटरफ्लाई दिख रही है और एलिफेंट दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं एलिफेंट हैवी होता है और बटरफ्लाई कैसी होती है, लाइट होती है, तो आप बटरफ्लाई पर सर्कल करेंगे। इसी प्रकार के आपको एक बॉटल दिख रही है जिसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी कि बॉटल हैवी होगी, और बैलून दिख रहे हैं, बैलून आपको पता है बहुत लाइट होता है, ऊपर जाता है, तो इसलिए बैलून पर सर्कल करेंगे क्योंकि बैलून हमारा लाइटर है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको दो पिक्चर फिर दिख रही हैं, एक है आप फुटबॉल की और एक है बैट की, तो आपको पता है बॉल आपकी हल्की होती है, लाइटर होती है,
और बैट कैसा होता है, हैवी होता है, इसलिए आप बॉल पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है रैट एंड बैट। तो आपको पता है जो बैट होता है आपका बहुत भारी होता है, उठता भी नहीं, और जो माउस होता है वो लाइटर होता है। तो आप माउस पर सर्कल करेंगे।